दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं 2024 में भारत में 17वीं लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें अब तक 6 फेजों में वोटिंग हो चुकी है और अब 1 जून को 7वीं फेज में वोटिंग होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2024 की लोकसभा चुनाव में आखिर किसकी भीड़ है और अब तक जो 6 फेजों में चुनाव हो चुके हैं वहाँ पर किस राज्य में कितने कितने परसेंट वोटिंग हो चुकी है और किस सरकार को कितने कितने परसेंट वोट मिल चुके हैं और इस बार कौन जीतेगा। तो दोस्तों, आखिर में हम आपको बताएंगे कि पोलिंग किसके पक्ष में जा रही है, यानी कौन आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बनेगा। तो वीडियो को देखते रहें, बिना स्किप करें, चलिए शुरू करें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि लोकसभा की टोटल सीटें 543 हैं और सबसे पहले हम आते हैं आपको फेस वन पे, जो कि 19 अप्रैल 2024 में चुनाव हुए थे। इसमें 21 राज्यों में चुनाव थे और 102 सीटें थी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आते हैं अंडमान एंड निकोबार पे, जिसमें 1 सीट थी और इसकी टोटल परसेंटेज थी 64.10। सेकंड नंबर पे आती है अरुणाचल प्रदेश, जो 2 सीटों पर लड़ा गया था, जिसमें टोटल परसेंटेज थी 77.68%। तीसरे नंबर पर आता है असम, जिसमें 5 सीटों पर चुनाव लड़े गए थे, जिसमें इसकी टोटल परसेंटेज थी 78.25%। ऐसी चौथे नंबर पर आते हैं तो बिहार में 4 सीटों पर चुनाव लड़े गए, जिसमें टोटल परसेंटेज आई 49.26%। ऐसी छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर चुनाव हुए, जिसमें टोटल परसेंटेज आई 66.29%। इसी तरीके दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, ऐसी महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और इसी तरीके से पूरे 21 राज्यों में टोटल चुनाव की परसेंटेज 66.14% आई है। तो दोस्तों, अब आते हैं हम फेस टू पे, जो कि 26 अप्रैल 2024 में, जिसमें टोटल 13 स्टेट्स हैं और 88 इसमें सीटें हैं। तो आइए देखते हैं फेस टू के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले फेस टू में आता है असम। असम में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा गया है, जिसमें से टोटल परसेंटेज 81.17। उस नंबर पर आता है बिहार, जो 5 सीटों पर लड़ा गया है, इसमें इसकी परसेंटेज आती है 59। ऐसी बात करें तो छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर चुनाव लड़े गए, जिसमें इनकी परसेंटेज आती है 76। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 1 सीट पर चुनाव लड़े गए हैं, इसमें परसेंटेज इसकी आती है 72। ऐसी गाइस, कर्नाटका में भी, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में से ऐसे टोटल सीटें 88 हैं, जो कि 13 स्टेट्स में लड़ी गई हैं, जो कि इनकी टोटल परसेंटेज आती है 66.71%। अब गाइस, आते हैं हम फेस थ्री पे, जो कि 7 मई 2024 में 11 स्टेट पे 94 सीटों पर लड़ा गया। आइए गाइस, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। इसमें भी गाइस, सबसे पहले असम आता है, जिसमें कि 4 सीटों पर लड़ा गया है और इसमें टोटल परसेंटेज आई है 85। ऐसी बिहार में 5 सीटों पर चुनाव लड़े गए, जिसमें टोटल परसेंटेज आई है 59। ऐसे छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर लड़े गए, इसमें 71% आई है। ऐसी आता है दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो इसी तरीके से इसमें 11 स्टेट्स पर चुनाव लड़े गए, जो इसमें टोटल सीटें थी 93%, जिसका परसेंटेज निकलता है टोटल 65.68%। ऐसी गाइस, हम आते हैं फेस फोर पर। फेस फोर 13 मई 2024 को लड़ा गया, जिसमें 10 स्टेट्स थे और 96 इसकी सीटें थी। आइए कुछ जानते हैं इसके बारे में। गाइस, सबसे पहले आता है फोर में आंध्र प्रदेश, जिसमें 25 सीटों पर चुनाव लड़े गए, जिसकी परसेंटेज 80% है। बिहार में 5 सीटों पर लड़े गए, जिसमें 58% थी। जम्मू एंड कश्मीर में 1 सीट पर चुनाव लड़ेगा, इसकी परसेंटेज 38 थी। झारखंड में लड़े गए 4 सीटों पर, जिसकी परसेंटेज 66 थी। ऐसे गाइस, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में टोटल 10 स्टेट में चुनाव लड़ेगा, 96 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जिसकी टोटल परसेंटेज 69.16 आई है। आइए गाइस, बात करते हैं फेस फाइव की। फेस फाइव गाइस 20 मई को लड़ा गया था, जिसमें 8 स्टेट और 49 सीटों पर लड़ा गया था। आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। फेस फाइव की बात करें तो गाइस, सबसे पहले आता है बिहार, जिसमें 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और इसकी टोटल परसेंटेज 56 आती है। जम्मू एंड कश्मीर, जो 1 सीट पर लड़ा गया था, जिसमें उसकी टोटल परसेंटेज 59 आई है। ऐसी झारखंड में गाइस 3 सीटों पर चुनाव लड़े गए और इसमें टोटल इसकी परसेंटेज 63% आई है। ऐसी गाइस, लद्दाख, महाराष्ट्र और उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में टोटल 18 स्टेट पर चुनाव लड़ा गया, जिसमें से 49 सीटें थी और टोटल परसेंटेज की 62.20 आई है। दोस्तों, बात है हम फेस सिक्स पे, जो कि 25 मई 2024 को लड़ा गया था और इसमें टोटल 8 स्टेट से और 58 सीटें थी। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, फेस सिक्स में सबसे पहले बिहार आता है, जो कि इसमें टोटल 8 सीटें थी और टोटल परसेंटेज 55 है। ऐसी बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा में 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जिसमें टोटल इसकी परसेंटेज आई है 60। ऐसी जम्मू एंड कश्मीर, जो कि 8 सीट पर लड़ा गया और इसमें इसकी टोटल परसेंटेज आई है 54। ऐसी गाइस, झारखंड की बात करें तो 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और इसमें टोटल इसकी परसेंटेज आई है
63%। ऐसी दिल्ली NCR में लड़े गए जिसमें इसकी टोटल सीटें 7 थी और इसकी परसेंटेज आई है 57%। ऐसी उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में टोटल 8 स्टेटों पर 58 सीटों पर लड़े गए जिसकी टोटल परसेंटेज आई है 61.2। दोस्तों हम दिल्ली NCR में आते हैं कि दिल्ली NCR में टोटल कितने लोगों ने वोट डाले, तो दिल्ली की चांदनी चौक में 16 लाख वोट लोगों ने डाले हैं, ईस्ट दिल्ली में 21 लाख और न्यू दिल्ली में 15 लाख और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 24 लाख वोट डाले गए हैं। तो दोस्तों नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 25 लाख वोट डाले गए हैं, ऐसे साउथ दिल्ली में 22 लाख वोट डाले गए हैं, वेस्ट दिल्ली में देखा जाए तो 25 लाख वोट डाले गए हैं। दोस्तों अब हम आते हैं जैसे कुछ समय वोटिंग की परसेंटेज बड़ा बड़ा के दिखाई जा रही है। दोस्तों सबसे पहले तो फेज 6 में 45 पर जब वोटों की परसेंटेज 59.6 बताई तो उसी को बढ़ाकर, तो ऐसी इलेक्शन कमीशन ने 11:45 पे उसको बढ़ाकर 61.20% को बढ़ा दिया। इसी के चलते गाइस थोड़ी देर बाद उसकी परसेंटेज को इलेक्शन कमीशन ने और ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी कि 61 से 63.37% तक कर दी गई। लिखा, मैंने 35 सालों तक भारतीय चुनावों को देखा है, उनका अध्ययन किया है। वोटिंग वाले दिन भी शाम को जारी डेटा, फाइनल डेटा में 3 से 5% का अंतर आना कोई नई बात नहीं है। हमें फाइनल डेटा 24 घंटों के भीतर मिल जाता है। इस बार कुछ बातें असामान्य और चिंताजनक है। फाइनल डेटा पब्लिश होने में 11 दिनों की देरी हुई, पहले चरण के लिए और दूसरे चरण के लिए 4-4 दिन, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में और उसके खंडों के लिए मतदाताओं और डाले गए वोटों की वास्तविक संख्या का खुलासा न करना। अपने ट्वीट में आगे लिखते हैं कि वोटिंग परसेंटेज इलेक्टोरल ऑडिट में मदद नहीं करते हैं, जानकारी प्रत्येक बूथ के लिए फॉर्म 17 में दर्ज की जाती है और उम्मीदवार के एजेंट के पास उपलब्ध होती है, लेकिन डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच हेराफेरी की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही पूरा डेटा दे सकता है और इसको देना भी चाहिए। इतनी देरी और रिपोर्टिंग फॉर्मेट में अचानक से बदलाव के लिए इलेक्शन कमीशन को स्पष्टीकरण देना होगा ऐसा। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया कि अब 1 से लेकर 6 फेजों तक किस राज्य में कितनी कितनी परसेंटेज वोटिंग हो चुकी है और कितने कितनी सीटों पर चुनाव लड़े जा चुके हैं। तो अब हम आपको बता देते हैं कि अब तक छठे फेज तक 486 सीटों पे इलेक्शन हो चुके हैं, जिसमें से अब बची हैं 57 सीट्स, जो 8 राज्यों में चुनाव होने हैं। 7वें फेज यानी 1 जून को जिसके लास्ट चुनाव होंगे, फिर उसके बाद 4 तारीख को उसका रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया कि हमने आपको वीडियो में बताई दिया कि किस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर बाद इलेक्शन कमीशन की जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही, कभी 1%, कभी 2%, कभी 3%, हर फेज में, हर तीन, दूसरे, तीसरे, चौथे फेज, पांचवें फेज, हर फेज में हमने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कुछ परसेंट बढ़ गई है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये क्या हो रहा है, किस तरीके से क्यों बार बार वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा बढ़ा के दिखाया जा रहा, एक बार में ही क्यों नहीं बता दिया जाता कि आखिर क्लियर वोटिंग परसेंटेज क्या आई है। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन इसमें कुछ घोटाला कर रहा है या फिर और कुछ बात है? तो जो भी आपको लगता है वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।